अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शाह हाजिर है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी डिमेंशिया के बारे में। आज हम इसी सिलसिले को आगे लेके चलेंगे और बात करेंगे डिमेंशिया यानी कि मेमोरी लॉस की एक और किस्म, जिसको हम पार्किंसंस डिजीज़ डिमेंशिया कहते हैं। इससे पहले कि हम पार्किंसंस डिजीज़ डिमेंशिया के बारे में बात करें, हमारा ख्याल है कि आपको पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि आप उसके बारे में जान के पार्किंसंस डिजीज डिमेंशिया को भी जान सके। एक आम अंदाजे के मुताबिक नाज़रीन, पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ लोग पार्किंसंस डिजीज से मुतासर हैं। अमेरिका में कोई 60,000 लोग हर साल पार्किंसंस डिजीज के लिए डायग्नोस होते हैं, और ये डिजीज यूजली 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती है। कम लोगों में भी हो सकती है और बहुत देखने में आई है। जैसे आप, अगर आपको इल्म हो कि मोहम्मद अली बॉक्सर, उनमें पार्किंसंस डिजीज़ थी, या माइकल जे फॉक्स, तो कई यंग लोगों में भी नज़र आई है, लेकिन ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों में नज़र आती है। इसकी प्रेवलेंस कोई 1% है अमेरिका में, और मज़ीद इसके बारे में हम मालूम करेंगे। पहले आपको तारुफ कराते चले अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर अफरोज़ शमीम। डॉक्टर शमीम जो है वो आ खान की 2004 की ग्रेजुएट है कराची से, और इस वक्त बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर साइकियाट्री है। वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये बताएं, हम जैसे पार्किंसंस के बारे में बात कर रहे थे डॉक्टर शमीम, तो थोड़ा सा ये बताएं कि एक तो पार्किंसंस होता क्या है, क्या है ये बीमारी? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने वतन को दोबारा से कंट्रीब्यूट करूँ। यहाँ पे होने के बावजूद मुझे लगता है कि हम कितना भी करें तो कम हैं, और एक उससे एहसास होता है अचीवमेंट का कि हमने अपने वतन को वापस दिया। होता है लोगों से, बिल्कुल। पार्किंसंस डिजीज़ से बहुत सारे लोग शायद वाकिफ़ ना हों, क्योंकि ये दूसरी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के मुकाबले में कम कॉमन है। जैसे लोगों को वाकफियत होगी स्ट्रोक से या सीजर से, जैसे आपने कहा कि ओवरऑल रेयर है, लेकिन इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि पूरी दुनिया में जो है लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वक्त के साथ, जो आपकी एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन होता है, वो बढ़ता जा रहा है, उसी तरह क्रॉनिक डिजीजेस लाइक पार्किंसंस डिजीज वो बढ़ती जा रही है। उसके मेन सिम्टम्स में जैसे स्लोनेस, ट्रेमर, चाल में चेंजेस बहुत कॉमन है, और इसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी साइकियाट्रिक डिफ़िकल्टीज़ सामने आती हैं, जिनकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बॉडी में और भी बहुत सारी चेंजेस होते हैं जिनका ताल्लुक न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस से होता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। अच्छा, ये बताएं कि ये पार्किंसंस डिजीज मर्दों में ज़्यादा होती है, औरतों में ज़्यादा होती है, या दोनों में बराबर होती है? आई थिंक इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो शायद मैं नहीं दे सकूं, लेकिन ज़्यादातर स्टडीज में थोड़ी सी मेल प्रेवलेंस ज़्यादा उसमें है, और ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को आती है। वैसे तो अब तो यंग केसेस भी हमें कुछ नज़र आए हैं, लेकिन ओल्ड एज में ज़्यादा नज़र आते हैं। अच्छा, जैसे यंग केसेस जो होते हैं डॉक्टर शाह, सॉरी टू इंटरप्ट यू, उनमें जेनेटिक टेंडेंसीज होती हैं, और वो बहुत, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जैसे तो रिसर्च बहुत कम है, लेकिन जो ओवरऑल प्रेवलेंस इंडिया या चाइना में देखी गई है, एशिया में ओवरऑल जो स्टडीज़ हैं उनमें इंक्रीज्ड इंसिडेंस कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फॉर एग्जांपल पारसी पॉपुलेशन में देखी गई है। तो यानी अगर फैमिली में पार्किंसंस डिजीज है तो बच्चों में आने का चांस ज़्यादा होता है, और वो केसेस यंग एज में ज़्यादा नज़र आते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, सिम्टम्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आम फहम जबान में लोगों के लिए स्लोनेस, आपने कहा स्लो, तो उसमें सबसे पहले तो जहन में आता है कि चाल थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ये लोग कहते हैं कि छोटे छोटे कदम लेने लगते हैं। कई लोगों को ये भी देखने में आया है कि मुंह के इर्द गिर्द हल्का सा राशा शुरू हो जाता है, जिसको हम ओरोबकल सिम्टम्स भी कहते हैं। कई लोगों के हाथ में लर्जा, इनफैक्ट हाथ का लर्जा आना वन साइडेड, दैट इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेमर। स्लोनेस जो है वो जैसे जैसे डिजीज क्रॉनिक होती जाती है वो ज्यादा सामने आती है उसके बाद। अच्छा, जो हाथ का लर्जा है, ये बताएं कि इस हाथ के लर्जे को दूसरे हाथ के लर्जे से आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक लोगों को बताना। जी, ये क्वेश्चन मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरा स्पेशलिटी का इंटरेस्ट ही इसी में है। थैंक यू फॉर आस्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए कि हर किस्म का लर्जा या ट्रेमर पार्किंसंस की वजह से नहीं होता। दूसरा ये कि कुछ कॉमन फीचर्स जो हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे देख सकते हैं, कुछ ऐसे लर्जा हाथ के एक पोजीशन में है,
या मोटर, यानी कि हार्ट मूव करते में या कोई एक्टिविटी करते में. दूसरा ये कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑफ कोर्स आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा उसको ऑब्जर्व करना. फिर हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कुछ लर्जे होते हैं जो फैमिली में शुरू से प्रेजेंट करते हैं. फैमिली हिस्ट्री उनकी बहुत स्ट्रांग होती है, जिसको हम फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल ट्रेमर बोलते हैं. उसमें फैमिली हिस्ट्री पार्किंसन से बहुत ज़्यादा कॉमन होती है. और फॉर एग्जाम्पल दूसरे किस्म की ट्रेमर्स, जैसे बल्कि मैं एक पॉइंट इस चीज़ पे क्लैरिफाई करने चाहूँगी कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि जो उम्र रसीदा हो गया है उसको लर्जा होना नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है. और उसका ऑपोजिट भी हम सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ समझा जाता है कि अगर कोई यंग एज में किसी को लर्जा हो गया है तो वो कमज़ोर हो गया है. ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें करेक्ट भी हों, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि पार्किंसन का लर्जा या शेकिंग जो है वो कुछ क्लिनिकल फीचर्स या हिस्टोरिकल फीचर्स के बेसिस पर बहरहाल डिफरेंशिएट कर सकते, लेकिन फिर भी इस पर रिसर्च जारी है. अच्छा, ये रेस्ट पे होता है या नहीं होता, और काम करते हुए ज़्यादा होता है या रेस्ट पे ज़्यादा होता है? मोस्ट कॉमनली रेस्ट पे ज़्यादा होता है, और काम करने पे थोड़ा कम हो जाता है. तो ये आम लोगों के लिए ये बात इम्पोर्टेंट है कि जब आप खाना खा रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो लर्जा आपका कम हो जाएगा बढ़ने के बजाय, लेकिन जब आप इस तरह से बैठे हैं या हाथ रेस्टिंग स्टेज में है तो लर्जा ज़्यादा होने की उम्मीद है पार्किंसंस में, राइट? ठीक, तो लर्जा हो गया, हमने चाल की बात की, हमने बात की वो कुछ अरसे बाद आती है, मूवमेंट की बात की. फिर एक लोग, कई लोग ये भी देखते हैं कि राइटिंग टेस्ट, जैसे जैसे पार्किंसंस डिजीज प्रोग्रेस करती है, जब आप कोई जुमला लिखते हैं तो आपकी जो जो लिखना है वो छोटा होता चला जाता है, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक होता चला जाता है, ये भी देखने में आता है. मेरा जैसे अंदाज़ा है कि एक कॉमन ये हम टेस्ट करते हैं टू कंफर्म पार्किंसंस डिजीज, उसके साथ साथ दूसरी अलामत भी हैं, लेकिन जैसे कि ये दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्रेमर, कि लर्जा होगा तो उसके अंदर आपकी रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से वो छोटी होती जाएगी राइटिंग. ठीक है. अच्छा, ये बताएं कि ऑफ कोर्स ये डिजीज डायग्नोस करना सबसे इम्पोर्टेंट है, जारी बात है, आप डायग्नोस नहीं करेंगे तो ट्रीट कैसे करेंगे? अगर डायग्नोसिस हो गई तो कुछ लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कुछ साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास डायग्नोसिस के लिए जाएंगे, लेकिन अगर पार्किंसंस डिजीज से एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन या साइकियाट्रिक सिम्टम हो तो साइकाइट्रिस्ट के पास आएंगे. अब अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए तो हम फैमिलीज को क्या बताएंगे, इज इट अ ट्रीटेबल डिजीज, क्या इसका क्योर है, क्या आप कहते हैं? जी, एज अ डॉक्टर हमारा काम यह है कि लोगों को होप दें, उम्मीद दें. लेकिन फिलहाल जिस स्टेज पे अभी पार्किंसंस की ट्रीटमेंट या रिसर्च है, फिलहाल तो हम इसको बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं विद मेडिकेशन, बोथ फ्रॉम द न्यूरोलॉजिस्ट एंड द साइकाइट्रिस्ट. और लेकिन वक्त के साथ ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि ये कंडीशन, इसकी नीड्स बढ़ती जाती हैं. जैसे कि हमने मोहम्मद अली का आपने जिक्र करा था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा हिस्सा पार्किंसंस के साथ गुजारा, तो उन्होंने मैनेज करा उसको, कई दहों कई डेकेड्स उन्होंने मैनेज करा उसको. और एक और चीज़ मोहम्मद अली का आपने जिक्र किया तो जहन में आती है कि विद प्रोग्रेशन, यानी आहिस्ता आहिस्ता जब डिजीज बढ़ती है तो लोगों के चेहरे पर इमोशनलेस फेस हो जाता है, चेहरे पे से इमोशंस निकलते चले जाते हैं डिजीज की वजह से. ये देखने में आया है कि योर फेस बिकम्स मोर रोबोटिक काइंड ऑफ. तो ये सब जो चीज़ें नज़र आती हैं तो फैमिली के लिए ऑब्वियसली बड़ी तकलीफ दे होती है, और पेशेंट के लिए भी होती है, जब आपको पता है कि आप एक ऐसी मर्ज का शिकार हैं जिसका कि मैनेजमेंट हो रहा है लेकिन आपको पता है कि योर कंडीशन इज गोइंग टू गेट वर्स स्लोली, तो बड़ी तकलीफ दे होती है. आप क्या समझती हैं कि फैमिली और मरीज कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं? आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर दी, क्योंकि फैमिली की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान को अगर डिजीज़ की एक्सपेक्टेशन हो कि कैसे आगे फ्यूचर को देखा जाए, लाइफ को प्लान किया जाए. और आई थिंक हमारे यहाँ तो क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर अभी भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के फैमिली स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इंडिविजुअलिज्म यानी कि खुददारी, अपनी लाइफ को अपनी लाइफ की तरह ही गुजारना, वो बहुत इतना कॉमन नहीं है जितना हमारा कम्युनल लिविंग और फैमिलीज एक दूसरे पे इंडिविजुअल्स इंटरडिपेंडेंस में रहें और एक दूसरे की हेल्प करें. तो आई थिंक पूरी फैमिली अफेक्ट होती है इस चीज़ से. सो क्यों ना हम ऐसी स्पेस पैदा करें
बोथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी और साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए कि हम खुल के इन चीज़ों के बारे में बात करें. तकलीफ दे तो है, शेयर कर सके. बिल्कुल, तकलीफ दे तो है, लेकिन जिंदगी में बहुत सारी दूसरी चीजों की तरह हम इसको भी आसान कर सकते हैं. अगर हम तकलीफ को बांटेंगे तो सबके लिए कम तकलीफ महसूस होगी. ठीक. अच्छा, ट्रीटमेंट पे आए, अगर हम पार्किंसंस के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, ऑफ कोर्स हम ट्रीटमेंट की डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन सुपरफिशियली लेवोडोपा कार्बिडोपा है, लोग रिक्यूब लेते हैं, मेरोपैक्स लेते हैं, लेकिन इन दवाओं के अपने भी साइड इफेक्ट्स हैं. तो कई लोग दवा लेते हैं और उसमें दो सवाल जहन में आते हैं. एक तो ये सुनने में आया है कि, और कई न्यूरोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि आपने दवा ली तो कुछ अरसे तक ये दवा चलेगी, 3-5 साल, उसके बाद यू हैव टू चेंज द क्लास. क्यों? क्योंकि आपके ऊपर न्यूरॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करते शायद. दूसरा ये कि इन दवाओं से कई दफ़ा साइड इफेक्ट पैदा होते हैं, वो क्या होते हैं? तो पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये सही है कि आप जो दवा ले रहे हैं कुछ अरसे में 3-5 साल बाद आपको चेंज करनी पड़ती है, या वही चलती रहती है? आपने जो कहा कि उसमें बहुत हद तक हकीकत है. जिस स्टेज पे अभी तो रिसर्च जा रही है इस पे कि हम पार्किंसंस की प्रोग्रेशन को किस तरह रोक सकें, लेकिन जो फिलहाल मेडिसिंस मौजूद हैं, कोशिश तो ये होती है कि उन पे डिपेंडेंस कम हो, लेकिन वक्त के साथ उनकी ज़रूरत बढ़ती जाती है और साइड इफ़ेक्ट्स का चांस ही बढ़ता जाता है. क्यों? क्योंकि इस डिज़ीज़ की बेसिक वजह ही है कि ब्रेन सेल्स की डेथ हो रही होती है, उसकी वजह से मजीद दवाइयों की ज़रूरत और मैनेजमेंट की ज़रूरत बढ़ती जाती है. तो ऐसा किया जाता है, वक्फे की तरफ चलते हैं. वक्फे का वक्त होता जा रहा है, उसके बाद आके दोबारा यहीं से सत्रह जारी रखेंगे. नाज़रीन, टाइम फॉर अ ब्रेक. वी विल कम बैक एंड टॉक अबाउट ट्रीटमेंट एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन फॉर पार्किंसंस. Have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. Ibn Sina mein primary care doctors ke alawa bahut sare specialists bhi available hai, jaise ki cardiology, dermatology, psychiatry, podiatry, neurology, nephrology aur deegar specialists maujood hai जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं. वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक प्रिवेंटिव केयर इंक्लूडिंग एग्जाम्स एंड डेंटल क्लीनिंग्स, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी. इफ मेडिकली मेडिसिन टेकन प्रॉपरली कैन गिव अ गुड लाइफ. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी, वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज. हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 ईयर से एक्सपेंड की है. वेलकम बैक नाज़रीन. वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में और वो दवाएं जो हैं वो क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके क्या साइड इफेक्ट हैं. तो डॉक्टर में हम बात कर रहे थे कि इन दवाओं की जहरी बातें टाइम के साथ ज़रूरत ज़्यादा होती चली जाती है, डोज बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे आपने कहा वक्फे से पहले कि न्यूरोनल सेल्स की डेथ हो रही है. अब ये भी देखने में आया कि इन दवाओं के भी कई साइड इफेक्ट हैं. नौजिया वॉमिटिंग तो है ही, लेकिन उसके अलावा कई लोगों को कुछ साइकियाट्रिक साइड इफेक्ट भी होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं. वैसे तो पार्किंसंस में खुद ही साइकियाट्रिक डिफिकल्टीज मौजूद हैं, लेकिन जो एक बहुत स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसमें न्यूरोलॉजिकल मेडिसिंस जो ट्रेमर और स्लोनेस के लिए होती हैं, उनके इस्तेमाल से वक्त के साथ चांसेस बढ़ जाते हैं कि जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं, उसका चांस बढ़ जाता है. मिसाल के तौर पे कन्फ्यूजन या इल्यूजन्स फॉर एग्जांपल, जिसकी बेसिक मिसाल हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे अंधेरा हो और एक स्टिक रखी हुई है और कोई इंसान उसको समझ ले कि जैसे वो एक सांप है. ये एक सबसे बेसिक मिसाल है, लेकिन उससे नेक्स्ट लेवल हम समझ सकते हैं जैसे हलूसिनेशन, साय देखना, जन्नत देखना जो कि वहाँ मौजूद नहीं है, डिसीज लोग देखना जो नहीं है, जो exactly. है, ये बच्चों को देखना. एग्जैक्टली, विजुअल हलूसिनेशन बहुत कॉमन है पार्किंसंस में, दूसरे डिमेंशियाज या दूसरे
डिजीजेस के मुकाबले में. और उससे एक और लेवल बढ़ के हम सोच सकते हैं डिल्यूजन्स, या जिसको हम शक की बीमारी कहते हैं. फैमिली पे शक करना, कोई घर में दाखिल हो रहा है, एटसेट्रा, ये चीजें चोरी कर रहा है, किसी का किसी से अफेयर चल रहा है, वो सारी चीजें चलती. अच्छा, ये तो आपने इसकी बात की, तो आम फहम में लोगों को बताते चले नाज़रीन कि साइकोसिस जो है हम उस बीमारी को कहते हैं कि जिसमें आपका ताल्लुक रियलिटी से हट जाता है. मिसलन जैसे डॉक्टर शमीम ने बताया कि आपको हेलुसिनेशंस होंगी, वो आवाज़ें आना भी हो सकती हैं जो पार्किंसंस में नहीं होती ज़्यादातर, लेकिन चीज़ें देखना आप शुरू कर देते हैं जो नहीं होती सामने. जैसे जिक्र किया आपने कि कोई चीज़ नज़र आ रही है, कोई जानवर नज़र आ रहा है, सांप नज़र आ रही है, जो लोग मर गए हैं वो नज़र आ रहे हैं. फिर शक की बीमारी जिसको हम पैरानोया कहते हैं वो कॉमन है, वो भी एक साइकोसिस का फीचर है. और डिल्यूजन्स या इल्यूजन्स, तो ये सब साइकोसिस के फीचर हैं जो पार्किंसंस में कॉमन होते हैं. अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि पार्किंसंस की कुछ दवाएं भी ऐसी हैं जिनसे कि खासकर हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन पैदा हो सकती है. अच्छा, ये बताएं कि आपकी मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक है, माशाल्लाह आप चलाती हैं, तो आपके पास जो मरीज आते हैं वो ऑफ कोर्स कई पार्किंसंस से रिलेटेड होते हैं और किसी को मूवमेंट डिसऑर्डर है, तो वो क्या सिम्टम्स लेके आते हैं? तो आपने ये साइकोटिक सिम्टम्स बताए, और क्या सिम्टम लेके मरीज आते हैं? डिप्रेशन और एंग्जायटी बहुत कॉमन है पार्किंसंस में. और पार्किंसंस के मरीजों में डिप्रेशन आम डिप्रेशन से थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ये वही होता है, क्योंकि एक तो डिप्रेशन की अलामत में ये होता है कि आपका चेहरा उदास हो जाए या कुछ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये मरीज तो वैसे भी थोड़े से रोबोटिक इनका फेस होता चला जाता है विद टाइम, तो कुछ डिफरेंस है इस डिप्रेशन में या वही डिप्रेशन है? आई थिंक डिप्रेशन को जिस तरह हम डिफाइन करते हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है पार्किंसंस में. जैसे कि आपने कहा कि फेस की जो अपीयरेंस है रोबोटिक, मूवमेंट्स का रोबोटिक होना आमतौर पे समझा जाता है कि वो डिप्रेशन की अलामत है, लेकिन पार्किंसंस में तो न्यूरोकेमिकल चेंजेस की वजह से बॉडी ऑलरेडी चेंज हो जाती है. उसके अलावा एनर्जी लेवल्स, जो कि हमारे कल्चर में मुझे लगता है डिप्रेशन की अलामत में इतना कॉमन है, आई थिंक दूसरे इस पर रिसर्च होनी चाहिए कि हमारे एनर्जी लेवल्स डिप्रेशन के साथ नोटिसेबल होता है हमारे कल्चर में. तो डिप्रेशन की अलामत ज़हन में आती है या अननोन? मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि एक वजह जो ज़हन में आ सकती है एंड आई डोंट हैव एनी स्टडी टू प्रूव इट, राइट वो ये कि एनर्जी लेवल जारी बात है जब कम होता है तो वो जिसको कहते हैं ना कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जब नहीं होती तो आप होपलेस और हेल्पलेस फील करते हैं और आपकी एनर्जी भी कम होती है. हमारे यहाँ डिप्रेशन औरतों में कॉमन ज़्यादा है मर्दों की नस्बत. हमारे यहाँ औरतों पे घर के काम भी हैं और अगर बाहर का काम कर रही हैं तो वो भी है, तो दैट मे बी द केस के आई एम ट्राइंग टू मेक अ केस इफ यू विल के उस वजह से हो सकता है एनर्जी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, बट आई डोंट नो, देयर इज नो स्टडी टू प्रूव और डिसप्रूव दैट, राइट. और दूसरे हमारे कल्चर में जो डिप्रेशन की एक अलामत जो कि डिप्रेशन के ही लेबल के साथ नहीं आती बल्कि दूसरे लेबल्स के साथ, ये मेमोरी प्रॉब्लम्स, जो कि पार्किंसंस की खुद डेफिनेशन में शामिल है. कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स पार्किंसंस के साथ ही आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे अगर हम इन सिम्टम्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हर कोई पार्किंसंस के साथ डिप्रेशन में डायग्नोस हो जाएगा. तो जो फीलिंग्स वाला पार्ट है डिप्रेशन की डायग्नोसिस में, सैडनेस, क्योंकि आप उदासी, क्योंकि आपकी लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, आप छोटे छोटे काम अपने लिए नहीं कर सकते, तो नेचुरल है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी फंक्शनिंग डिक्रीज हो रही है, वो नहीं रहे जो आप पहले थे, और आपको ये भी पता है कि अब मजीद हालात खराब होंगे. और लाइफ के ऐसी स्टेज पे डॉक्टर शाह जब आप अपने यू नो एटलीस्ट 50s 60s में होते हैं, जब आपने अपनी जिंदगी इस्टेब्लिश कर ली होती है, आपका एक सेल्फ इमेज होता है, आपकी रिलेशनशिप्स ऑलरेडी बन चुकी होती हैं, तो ना सिर्फ आप अपनी बॉडी के फंक्शंस लूज कर रहे हैं बल्कि आपकी जो पोजीशन है डिफरेंट रिलेशनशिप्स में वो चेंज हो रही होती है और आपके ऊपर उसका कंट्रोल बहुत कम होता है. और नाज़रीन, ये टॉपिक इट्स वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट, क्योंकि मेरी मरहूम वालदा को भी पार्किंसंस डिजीज था और पार्किंसंस से रिलेटेड डिमेंशिया था, तो आई हैव सीन दिस ऑल throughout for the last 20 years of her age before she passed away about a year plus ago. To bahut isme takleef de hota hai family ke liye bhi. Acha, pehle aap zikr kar rahe the psychiatric symptoms ke bare mein, aapne zikr kiya, lekin aapne kuch GI symptom ki bhi zikr kiya tha, yani ki pet ka jo amraz hai, to us pet mein kya kya hota hai usme? Jaise for example uske andar constipation, peristalsis movement slow ho jati hai, right that's the most common presentation, to constipation nazar aata hai. Aur ek aur bhi ye dekhne mein aaya hai ki kai logon ko alternating constipation with diarrhea bhi ho sakta hai, kyunki agar movement aage piche ho rahi hai to, aur khana hazam na hona, kyunki wo khana samjhe ki thoda sa hi khayenge, diet kam hoti chali jati hai, ghiza kam hoti chali jati hai, aur phir movement nahi hogi body ki, to constipation ya GI difficulties already khud hi khud baith jayenge. theek, acha, jo
मरीज आते हैं आपके पास जो साइकियाट्रिक मैनिफेस्टेशन के साथ आते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या थोड़ा साइकोसिस है, तो वो ट्रीट हो जाते हैं सारे या कुछ थोड़ी सी चीज़ें रह जाती हैं? मेरे अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर शाह के एक कॉन्स्टेंट चैलेंज जैसे रहता है। बहुत कम ऐसा देखा है कि कंप्लीट रेजोल्यूशन या सस्टेन रेजोल्यूशन हो जो कंटिन्यूस रहे। आई थिंक उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि आई थिंक अक्सर मुश्किल होता है पार्किंसंस के ट्रेमर को एंग्जाइटी ट्रेमर के साथ फॉर एग्जांपल डिफ्रेंशिएट करना। फॉर एग्जांपल इवन जो हमारा सपोर्ट सिस्टम होता है, हमारी जो फैमिली या फ्रेंड्स होते हैं, वो अक्सर क्योंकि पार्किंसंस के सिम्टम्स ऑन एंड ऑफ रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, तो कभी कभार मुझे लगता है कि फैमिली रिलेशनशिप जो ट्रस्ट होती है वो भी वक्त के साथ चेंज हो जाती है। अक्सर फैमिली बिलीव नहीं करती है, कहती है कि कल तो ट्रेमर ज्यादा थी, आज कम कैसे। इसको लूसिड मोमेंट्स कहते हैं कि वो कई दफा आते हैं और उससे लोग समझते हैं कि कल तो ये ठीक थे और आज नहीं है, तो फैमिली को समझाना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा आदमी, ये सब जानबूझ के नहीं चल रहा, दिस इज अ डिजीज, इसकी वजह से ये हो रहा है। अच्छा, पहले आपने एक और वर्ड का जिक्र किया था कॉग्निशन, तो मैं नाज़रीन को उसकी थोड़ी डेफिनेशन बताता चलूँ। नाज़रीन, कॉग्निशन को आम फहम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि अगर किसी को डिमेंशिया है और उसके पास एक पुराना फ़ोन है, सेल फोन, तो उसके लिए वो फ़ोन ऑपरेट करना आसान होगा बजाय इसके कि आप उसको एक नया फ़ोन ले दें, क्योंकि वो नए फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए जितनी कॉग्निशन या जितनी इंटेलेक्ट चाहिए हो सकता है वो उनके पास उस वक्त ना हो। तो उनके लिए जो भी चीज़ें पुरानी हैं या पुरानी गाड़ी है या जब तक वो चला रहे हैं गाड़ी, वो चीज़ें थोड़ी आसान होती है, नई चीज़ों की अडेप्टेबिलिटी थोड़ी मुश्किल होती चली जाती है। अच्छा, ट्रीटमेंट जैसे हम बात कर रहे थे, तो ऑब्वियसली फैमिली काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीज़ों में सबसे पहले क्या नज़र आता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, जब आपके पास मरीज आता है? आई थिंक सबसे ज्यादा कॉमन तो एंग्जाइटी है, ठीक है, जैसे जनरल पॉपुलेशन में भी देखा जाए पार्किंसंस जैसा, एंग्जाइटी सबसे कॉमन है 30-40% डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट पॉपुलेशन। डिप्रेशन भी उसी रेंज में आता है, एटलीस्ट 20-30%। लेकिन कॉग्निशन या लर्न करने की सलाहियत जैसे आपने बोला, वो वक्त के साथ उसकी प्रेवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, ओवर 50%। लेकिन ये ट्रीट हो सकते हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन? I think relatively मुकाबला। अगर ट्रीट हो जाए तो पार्किंसंस की भी प्रोग्नोसिस कुछ बेहतर होगी, क्योंकि इंसान को जब मायूसी नहीं होगी, होप होगी, तो वो उसकी विल पावर भी बढ़ती है कि वो फाइट कर सके डिजीज से किसी हद तक। Absolutely, माइंड और बॉडी कनेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि दोनों एक साथ को एक साथ एक दूसरे के चलते हैं, माइंड एंड बॉडी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि एक सवाल और ज़हन में आता है, वो दो टर्म्स हैं, एक टर्म है पार्किंसंस डिजीज डिमेंशिया और दूसरा है लुई बॉडी डिमेंशिया। तो दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, फिर आपसे उससे वजाहत करेंगे। नाज़रीन, पार्किंसंस डिजीज डिमेंशिया वो होता है कि जिसमें पार्किंसंस डिजीज की डायग्नोसिस पहले हुई हो और उसके बाद मेमोरी की प्रॉब्लम शुरू हो, तो इसको हम PDD या पार्किंसंस डिजीज डिमेंशिया कहते हैं। लुई बॉडी डिमेंशिया में आपको डिमेंशिया के असरात पहले नज़र आते हैं, फिर पार्किंसंस डिजीज नजर आती है, और इसमें आपको विजुअल हेलुसिनेशन जैसे आपने कहा चीजें देखना वो ज्यादा कॉमनली नजर आती है। तो इनमें कोई फर्क है ट्रीटमेंट में या वही ट्रीटमेंट है, सिर्फ एक पहले आ रहा है और एक बाद में? आई थिंक सो फार जो भी स्टडीज हैं इन टर्म्स ऑफ कॉग्निशन या लर्निंग की सलाहियत को ट्रीट करने में, तो अभी इतना क्लियर नहीं है, वही कैटेगरीज ऑफ मेडिकेशन इस्तेमाल होती हैं। और ये बताएं कि कुछ लोग कर सकते हैं इस डिजीज से बचने के लिए पार्किंसंस से? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरा ख्याल है नाज़रीन इतने सारे सवाल और इतनी सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बारे में जानने के बाद ये सोचेंगे कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। जैसे जो सामने जाहिर हुई हैं चीज़ें, उसमें गुड लाइफस्टाइल, यानी कि अपनी ग़िज़ा और एक्सरसाइज का ख्याल रखना, ठीक है, उसके अलावा जैसे दूसरी लाइफस्टाइल चीज़ें हैं जैसे हैवी मेटल के साथ एक्सपोजर जिसके साथ पार्किंसंस डिजीज लिंक हुआ है, उसके अलावा जो दूसरी फॉर्म्स ऑफ पार्किंसंस हैं जो मेडिकेशन या दूसरी चीज़ों की अलम की वजह से हो सकता है, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए मॉनिटरिंग और डॉक्टर से कंसल्टेशन ज़रूरी है ताकि वो सूरत हाल वाजे ना हो। तो आपने जो बात बताई जिसको लोग ईजिली अडेप्ट कर सकते हैं, वो गुड लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइज, क्योंकि हैवी मेटल में बिल्कुल एहतियात कर सकते हैं लेकिन हर एक उसमें एक्सपोज नहीं होता, राइट। लेकिन लाइफस्टाइल सबका अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए। अगर पार्किंसंस डिजीज को समराइज किया जाए तो एक ऐसी डिजीज है जिसको मैनेजमेंट के लिए एक पूरी टीम की जरूरत है। आई थिंक साइकाइट्रिस्ट्स
को एक टीम के तौर पे काम करना चाहिए. आई थिंक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं अलॉन्ग विद फिजिकल थेरेपी और दूसरे सपोर्ट ग्रुप्स जो कि पेशेंट और फैमिली दोनों के लिए काम आ सकते हैं. तो हम साइकाइट्री में इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं कि हम इसको मैनेज करें, लेकिन हमें पूरी टीम की ज़रूरत होती है. नाज़रीन, जैसे डॉक्टर शमीम ने कहा कि टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीथिंग, स्पेशली इन दिस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज. आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चले, अगले प्रोग्राम तक के लिए खिलाफ़.